योगी सरकार की किसानों को बड़ी राहत, पराली जलाने के संबंध में किसानों पर दर्ज केस वापस होंगे। केस वापसी के लिए जारी किए गए हैं निर्देश। एसीएस गृह ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को ये निर्देश जारी किए हैं। तो पराली जलाने से संबंधित जिन किसानों पर केस दर्ज है उनको अब वापस लेगी सरकार। किसानों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें, बीते साल पराली जलाने को लेकर जिन किसानों पर मुकदमे दायर किए गए थे, सरकार अब उनको वापस लेने जा रही है। इस संबंध में सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि उन सभी मुकदमों को अब रद्द कर दिया जाए। केस वापसी के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। एसीएस गृह ने सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को ये निर्देश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार के किसानों को ये बड़ी राहत है। दरअसल प्रदूषण फैलने के चलते दिल्ली की आबोहवा खराब होने के कारण जहां जहां परालियां जलाई जाती हैं उन पर बैन सरकार ने लगाया था और इसको कानून के खिलाफ बताकर मुकदमे दायर भी किए गए थे उन किसानों पर जिन्होंने पराली जलाई थी। सीधे आपको लिए चलते हैं, अनुभव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनुभव, चुनाव के बहाने ही सही उन किसानों के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने पराली जलाई थी। देखिए, बिल्कुल, इसका ऐलान तो कुछ समय पहले ही हो गया था, लेकिन कल जो है वो ईसीएस होम की तरफ से सभी जो जिलाधिकारी हैं, जो एसएसपी हैं, उनके लिए निर्देश भी जारी हो गया। साफ तौर पर ये कहा है कि पराली जलाने का जिन पर केस हुआ था, आपको याद होगा किस तरीके से बहुत सारे किसानों पर ये केस हुआ था। हम पीलीभीत की बात कर लें, लखीमपुर की बात कर लें, उन्नाव की बात कर लें, सीतापुर की बात कर लें, हर जगह किसानों पर केस हुआ था। और जब किसान आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद किसानों की जो नाराजगी थी वो भी कहीं ना कहीं मांग ये कर रहे थे। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री आवास पर जब किसानों के प्रतिनिधि मंडल गया तो उसने भी यही मांग की, और तब सरकार ने कहा कि हाँ ठीक है, किसानों को जो पराली जलाने पर केस हुआ हम उसको वापस लेंगे, और अब एक आदेश भी इसका जारी हो गया है। साफ तौर पर देखिए, अब चुनाव करीब है और ऐसे में सरकार किसी की भी नाराज़गी नहीं लेना चाहती। किसान तो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी तो तमाम सारी मांगें हैं। ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि उनकी जो मांग थी कि कम से कम पराली जलाने वाले किसानों पर जो केस दर्ज है उसे वापस लिया जाए, तो सरकार ने उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल, एक बड़ा कदम सरकार ने इस दिशा में उठाया है और खासतौर पर उन छोटे किसानों को राहत मिलेगी अनुभव, जिन्होंने पराली जलाई थी और आगे भी उनको ये हिदायत दी गई थी कि वो पराली ना जलाएं, लेकिन असमर्थता उनकी थी कि हम करें तो करें क्या इस पराली का। तो बहरहाल उनके लिए एक बड़ी राहत की बात है। आप बने रहेंगे अनुभव हमारे साथ, आगे भी आपसे खबर पर चर्चा के लिए हम लौटेंगे। लेकिन दर्शकों को बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में अब मुश्किल ही 5 महीने का वक्त बचा है और ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। बात बाराबंकी की करते हैं। सीएम योगी आज 246 परियोजनाओं की सौगात बाराबंकी को देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 246 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी करने जा रहे हैं। जैतपुर और बाराबंकी सदर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जनसभा आज करेंगे। तो आज सीएम का बाराबंकी दौरा है, यहाँ पर 246 विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं बाराबंकी के निवासियों को। उसी का लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 जनसभाएं भी आज होने जा रही हैं। जैतपुर और बाराबंकी सदर विधानसभा क्षेत्र में 2 जनसभाएं भी मुख्यमंत्री आज करेंगे। दरअसल अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं सीएम योगी, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी वर्चुअली संवाद कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। और आज इसी उपलक्ष्य में बाराबंकी दौरा भी है, 2 जनसभाएं जैतपुर और बाराबंकी सदर विधानसभा क्षेत्र में, और इसके अलावा 246 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बाराबंकी दौरा है आज मुख्यमंत्री का, 2 जनसभाएं भी हैं। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, बताइएगा किस तरह की विकास परियोजनाएं हैं, 246 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखिए, अब चुनाव करीब है और सरकार की भी कोशिश यही है कि जो भी वादे किए थे, जो भी योजनाएं हैं, उनका लोकार्पण शिलान्यास कर दिया जाए। इसीलिए लगातार हमें तेजी दिखाई दे रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए अलीगढ़ में, राजा महेंद्र सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। उसके बाद कल आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री ने तकरीबन, हम कहें तो 4500 करोड़ की कीमत से
जो बनने वाली सड़कें हैं 8500 किलोमीटर लंबी सड़कों का एक पूरी सौगात उत्तर प्रदेश को दी है। और इसके अलावा कल ही मुख्यमंत्री ने मथुरा के कोशीकला में पेप्सिको का जो एक प्लांट है उसका भी शुभारंभ किया है। और आज जब वो बाराबंकी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी तकरीबन 85 करोड़ की योजनाएँ हैं जिनका वो लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। और इसमें ख़ासतौर से अगर हम कहें तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जो है वो भी अपना एक प्लांट वहाँ पर लगा रही है प्रोडक्शन के लिए, और जिससे अगर हम कहें तो रोजगार के भी अवसर वहाँ पर उपलब्ध होंगे। अभी तो फिलहाल उसका शिलान्यास का कार्यक्रम है, लेकिन जब वो बनकर तैयार होगी तो कहा जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा। 300 करोड़ की तो लागत है पूरी इस प्रोजेक्ट की। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएँ जैसे सड़कें हैं, कुछ पुल हैं, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनका आज मुख्यमंत्री वहाँ जाकर लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अलग अलग ज़िलों में इस तरह की सौगातें दी जाएँ, सड़कें दी जाएँ, पुल दिए जाएँ, तमाम सारी जो खेल के मैदान हैं वो दिए जाएँ। तो ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है, फोकस इसी पर है। और देखिए जो बात आपने कही कि किस तरीके से ऐसी सीटों पर फोकस है, मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि उन्होंने और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक अभियान शुरू किया है। वो अभियान क्या है, 2017 में जिन सीटों को नहीं जीत पाए वहाँ वो जा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। और जो बाराबंकी सदर की सीट है वो भी ऐसी सीटों में आती है, 60 सीटें ऐसी उत्तर प्रदेश की जहाँ पर आज तक बीजेपी कभी नहीं जीती है। तो फोकस कहीं ना कहीं वो भी है, और साथ ही साथ योजनाएं तो हैं, लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम है क्योंकि उसका एक बड़ा मैसेज जाता है। और इसके अलावा जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं जनसभा करेंगे तो उसका भी एक असर पड़ेगा। और अब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चुनावी मूड है, चुनावी माहौल है, सियासी दलों के लोग जा रहे हैं और इसी तरीके से जनसभाएँ कर रहे हैं, रैलियाँ यात्राएँ कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री के लगातार कार्यक्रम हमने देखे लगे हुए हैं। इधर आप देखिए पहले भी गए, फिर दूसरी जगह गए, लगातार उनके कार्यक्रम लगे हुए। कोशिश यही है कि चुनाव से पहले जो योजनाएं बची हुई हैं, जो उनके घोषणाएं बची हुई हैं, उन सभी चीज़ों को पूरा किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, तो उन सभी योजनाओं को, उन सभी घोषणाओं को पूरा किया जाए क्योंकि 5 महीने का वक्त भी अब चुनाव में लगभग नहीं बचा है और जनता इस आधार पर कम से कम जरूर आंकेगी अनुभव। आज बाराबंकी दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, 2 जनसभाएं भी वो यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि क्या कुछ नए ऐलान भी आज यहाँ से किए जा सकते हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं अनुभव? देखिए बिल्कुल जब जनसभा में जा रहे हैं और वहाँ पर कार्यक्रम है, वहाँ पर देखिए हरक में और जैसी जो कॉलेज है वहाँ पर ही ये कार्यक्रम रखे गए हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो वेदर आज सुबह से ही ऐसा है, लखनऊ समेत आसपास का जो इलाका है अवध का, वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, सुबह देर रात से ये बारिश रुक रुक कर हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। तो ये भी देखते हैं कि वेदर उस वक्त क्या रहता है क्योंकि उसको तकरीबन 11:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचना है, पर कार्यक्रम की तैयारी पूरी है और कोशिश यही है। देखिए जब वो जाएंगे जनसभा में वहाँ पर और क्या योजनाएं लाई जा सकती हैं, किस तरीके से उस क्षेत्र को और बेहतर किया जा सकता है, वहाँ पर क्या कुछ ज़रूरतें हैं, बिल्कुल, तो वहाँ की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो जरूरतें हैं, उन पर सरकार किस तरह फोकस करती है, आज सीएम की जनसभाओं में देखना होगा क्या कोई यहाँ के लिए बड़ा ऐलान भी होता है। सतीश कश्यप हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए, हमारे बाराबंकी संवाददाता हैं। सतीश बताइएगा क्या तैयारियां चल रही हैं वहाँ पर और कब तक समयवार कार्यक्रम होगा? देखिए आस्था, आज रात से ही बारिश हो रही है और ज़बरदस्त बारिश ऐसी है कि अभी लगभग जो है 8:15 बज रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। और जो है अगर बात करें, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का जो है बाराबंकी में दौरा है, 2 सभाएं हैं बाराबंकी का, एक पड़ता है विधानसभा जैतपुर और दूसरा जो है बाराबंकी मुख्यालय का, यहाँ 2 सभाएं हैं। और जो है तैयारियाँ पिछले जो है 2 दिनों से जो है युद्ध स्तर पर चल रही थी और जो है यहाँ पर जब जो सभाएं थी उसमें जो है मुख्यमंत्री को जो है संबोधन करना था, लेकिन आप मौसम देखिए कि मौसम जो है साथ नहीं दे रहा है। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं जो है बारिश के चलते ठीक नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है जो है 1-2 घंटे में मौसम जो है कुछ बदलाव आए। बिल्कुल, तो आप फिलहाल बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है कल रात से बारिश हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 घंटे में अगर मौसम खुलता है तो कार्यक्रम जो है अपने समय के मुताबिक ही होगा। बहुत शुक्रिया अनुभव, और आपका भी हमारे साथ जुड़ने